है कि अल्लाह ताला ने आज तीसरा दिन है मुसलसिल, मैं जो ओला और उबर कैब ड्राइवर्स हैं उनको हम देने का वादा किए थे, कुछ मदद करने की अपील की थी। एक्चुअली मैं हुकूमत से अपील किया था, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो ड्राइवर्स जितने भी हैं, ड्राइवर कम्युनिटी ख़ास तौर पर ओला और उबर के ड्राइवर बहुत परेशान हैं। तो कल मलकपेट के तकरीबन 100 ड्राइवर्स में ओला उबर के कल दिया गया था, आज जो है चंद्रायन गुट्टे के 100 ड्राइवर और याकूतपुरे के 100 ड्राइवर दिए गए हैं। तो जुमला अभी तक तकरीबन अल्लाह के फजल से 450 ड्राइवर्स को हमने चावल, गेहूँ का आटा, तमाम दालें, तेल, यानी पूरा एक पैकेज है सभी। मैं तो बहुत छोटा बंदा हूँ, ये सब जो भी है अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की तरफ से मैं एक पोस्टमैन हूँ समझिए आप, कि जिसके नाम का खत है उनको देना है। अल्लाह ने इंतज़ाम किया, मैंने इन तक पहुँचाया, मैं एक पोस्टमैन हूँ। तो और मेरी नीयत है कि मजीद और लोगों को हेल्प करें। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, मजलिस बचाओ तहरीक के तमाम कारकुनान रोड पर है, यानी हर किसी की दुख, हर किसी का जो भी घर की परेशानी है, डोर टू डोर जाकर हम दे रहे हैं। और अल्लाह का ये फजल है कि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, बावजूद कोई वसाइल नहीं रहने के, कोई इख्तदार नहीं रहने के, आज अल्लाह ताला हमसे एक काम ले रहा है। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं इस काम में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको अल्लाह ताला दीन में बड़ा मुकाम दे, उनको दौलत दे। तो आज जो दिया गया है ये पूरे याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा के ड्राइवर्स को दिया गया है। कारवान के हमारे समीर वलीउल्ला जो चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ग्रेटर हैदराबाद आपके कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कारवान में दे दिए। नामपल्ली की जो लिस्ट थी मेरे कने वो हमारे फेरोज खान साहब और उस्मान खान साहब दे रहे हैं, मजीद और है मेरे कने, रोज़ाना धीरे धीरे इनको हम बुला कर देंगे। ये लॉकडाउन नहीं है, ये बल्कि लॉक ऑफ डेथ है समझिए। ये जो लॉकडाउन है गरीब के लिए, ये लॉक ऑफ डेथ है। अच्छे अच्छे लोग जो कल तक ज़कात देने के मौकूफ में थे, आज इतनी मजबूर हो गए कि ये लोग अनाज के लिए आज परेशान हैं। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद और तेलंगाना में ये तमाम लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सियासी जमात के लोग है, ये तमाम लोग मदद कर रहे हैं, बोल के ये 50 दिन तक चला। वरना अगर हम हुकूमत के भरोसे रहते हैं, वो वाइट कार्ड होल्डर को चावल 12 किलो चावल 1500 रुपये के भरोसे अगर हम रहते तो घरों से लाशा निकलते, कोरोना से बचने के लिए भुखमरी का शिकार हो जाते हम। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो भी मैं आज दिया हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है, अल्लाह का हुक्म हुआ। मैं एक पोस्टमैन हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसके नाम का खत है भिजाना मेरी ज़िम्मेदारी है, जिसके किस्मत का था वो आया लेकर गया। और अल्लाह का मेरी दुआ है कि ये लॉकडाउन में मेरे चाहने वाले या जो भी है, हैदराबाद में, तेलंगाना में, कोई भूखा पेट नहीं सोना, मेरी अल्लाह से दुआ है।